मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप तुम लोग को ईवीएस में चैप्टर 5 व्यवहार का प्ले पढ़ाए थे। अब इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे ये फेयर प्ले, सही खेल, और अनफेयर प्ले, जो सही फेयर प्ले खेल नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इंडोर गेम और आउटडोर गेम किसको कहते हैं, वो कहाँ खेले जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेयर मस्ट हैव द स्पोर्ट्समैन स्प्रिट एंड रेस्पेक्ट फॉर फेयर प्ले। इट मीन्स फॉलोइंग रूल, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बीइंग कंसीडरेट, रेस्पेक्टिंग द अपोनेंट एंड एक्सेप्टिंग द डिसीजन ऑफ द ऑफिशियल। इसमें प्लेयर जो है वो प्लेयर के पास एक खिलाड़ी के आत्मा और रेस्पेक्ट होना चाहिए ताकि वो सही खेल को खेल सके। इसका मतलब ये हुआ कि खेल के नियम का पालन करें, उसके बाद खेल के नियम का पालन करें और सभी लोगों का एक जैसे मौका मिले, इक्वल गिविंग, सब मौका देने का चांस मिले। बीइंग कंसिडरेट मतलब संवेदनशील होना, और अपोनेंट का आदर करें, और एक्सेप्टिंग एंड द डिसीजन ऑफिशियल, जो डिसीजन हो रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, उसको स्वीकार करें। मैनी पीपुल स्टार्ट क्वेरलिंग एंड वॉक आउट फ्रॉम द गेम इन एंगर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो झगड़ा कर लेते हैं, सहमत नहीं होते हैं खेल में, और वो खेल से बाहर आ जाते हैं। बट ए गुड स्पोर्ट्समैन हैज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दैट हेल्प ओवर कम एवरी डिफिकल्टी। लेकिन एक अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं उसमें एक अच्छे खिलाड़ी की आत्मा होनी चाहिए ताकि वो खेल के सारी मुसीबतों को उभार सकने में मदद करे। अब फेयर प्ले किसे कहते हैं और अनफेयर प्ले किसे कहते हैं, उसके बारे में उसका क्या रूल है, उसको हम जानेंगे। बिफोर द गेम बिंग आई से के हैंड्स विद द अपोनेंट। फेयर प्ले में खेल शुरू होने के पहले अपने अपोनेंट, विरोधी जो होते हैं, उसके प्रतिद्वंदी जो होते हैं, उससे हाथ मिलाना चाहिए। आई स्टॉप द गेम व्हेन एन अपोनेंट इन इंजर्ड। यदि अपोनेंट विरोधी जो है उसका अगर किसी कारण से चोट लग गई है तो खेल को रोक देना चाहिए। आई एडमिट माई मिस्टेक और गलती अगर हो गई है तो उसको स्वीकारना चाहिए। आई शेक हैंड्स विथ द अपोनेंट आफ्टर द गेम व्हाट एवर बी द रिजल्ट। चाहे रिजल्ट जो भी हुआ हो वो अपने अपोनेंट यानी विरोधी से हाथ मिलाना चाहिए खेल खेलने के बाद। आई कंग्रेचुलेट द अपोनेंट फॉर गुड प्ले। यदि वो जीत गया है तो उसको बधाई देना चाहिए ताकि अच्छे खेल खेलने के लिए बधाई देना चाहिए। अब अनफेयर प्ले में क्या क्या होता है, तो आई ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन टू द रेफरी। वो रेफरी के निर्णय का विरोध करते हैं। आई चीट टू विन द रेफरी डिसीजन। वो जीतने के लिए चीट करते हैं रेफरी के निर्णय का। आई हिट द अपोनेंट डिस्ट्रैक्ट हिज हर कंसेंट्रेशन। वो उसे चोट पहुंचाते हैं अपोनेंट को खेल से वंचित और एकाग्र होने से। आई इग्नोर रूल्स एंड फॉलो माई ऑन वे टू विन। वो नजरअंदाज कर देते हैं वो खेल का और अपना अलग तरीका अपनाते हैं। आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट एंड द अपोनेंट। वो कोशिश करते हैं अपने अपोनेंट विरोधी का कैसे वंचित करें। अब एक्टिविटी में है कि प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टू अस। प्ले जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। बट देयर शुड बी फिक्स्ड टाइम फॉर इट। लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय है
द बेस्ट वे मैनेज योर टाइम इज मेक इट टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाने के लिए बोला है। अभी इसमें नंबर ऑफ आवर स्पेंड एट स्कूल, स्कूल में तुम्हारा समय कितना बीतता है उसके बारे में लिखना है। तो जैसे 6 आवर है तो यहाँ 6 आवर लिखेंगे। नंबर ऑफ आवर स्पेंड इन रिविजन, होमवर्क, प्रिपरेशन ऑफ लेसन, ये सब काम करने के लिए कितना समय लगता है। तो जैसे 4 आवर्स तो यहाँ 4 आवर्स लिखेंगे। टाइम फॉर गेम्स स्पोर्ट्स, टाइम का और स्पोर्ट्स का कितना टाइम है, तो 1 आवर है, यहाँ 1 आवर लिखेंगे। फ्रेंड एज ए स्कूल विथ होम यू प्ले, अब तुम स्कूल में किसके साथ करते हो, यहाँ अब उसका नाम लिखोगे। अब इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रेन प्ले मेनी गेम्स विथ देयर फ्रेंड इन स्कूल एट होम, बच्चे जो हैं वो स्कूल में बहुत सारे खेल खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, घर पे खेलते हैं या पड़ोस में खेलते हैं। सम गेम्स आर प्लेड इन साइड द प्ले रूम इन द स्कूल, कुछ गेम्स जो है वो प्ले ग्राउंड प्ले रूम में स्कूल में प्ले रूम के अंदर खेलते हैं, एक हॉल में खेलते हैं या बरामदा पे खेलते हैं। तो एज दे आर नॉन एज इंडोर गेम, ऐसे गेम को हम लोग इंडोर गेम कहते हैं। दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन आते हैं, तो मोनोपोली, ल्यूडो, स्नेक एंड लेडर, चेस, कैरम, स्क्रेबल, पिक्टोनरी, वीडियो गेम्स इटीसी, ये सब इंडोर गेम में आते हैं। मेनी चिल्ड्रन प्ले मार्बल्स एंड गीटे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मार्बल्स ही खेलते हैं। देयर आर मेनी गेम्स लाइक क्रिकेट, गुल्ली डंडा, फुटबॉल, हॉकी इटीसी दैट कैन ओनली बी प्लेड इन ओपन प्लेस, ये सब जो खेल हैं जैसे क्रिकेट हुआ, गुल्ली डंडा हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, ये सब खुले जगह पर खेले जाते हैं। दे आर नॉन आउटडोर गेम्स, ऐसे खेल को हम लोग आउटडोर गेम कहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए मस्ट फॉर रिक्रिएशन, गेम और जो है रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, गेम्स जो खेल जो है वो बहुत ही जरूरी है आनंद के लिए, आराम के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। द चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट वैल्यू लाइक शेयरिंग एंड टीम स्पिरिट वाइल कम्पीटिंग इन द प्ले फील्ड, कम्पीटिंग इन द प्ले फील्ड, बच्चे महत्वपूर्ण मूल्य को सीखते हैं जैसे कि शेयरिंग करना, टीम तो प्रतियोगिता के खेल में कैसे मतलब ये करें, ये सब इसमें सीखते हैं खेल खेलने से। द लेसन हेल्प देम ग्रो अप इनटू बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यह पाठ हम लोगों को यह सिखाता है कि कैसे संतुलन और व्यक्ति का जिम्मेदारी को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर का भी तुम लोग रीडिंग डालना। थैंक यू।